दबा कर करो। ये देखते दोस्तों गाड़ी एकदम रेस बिल्कुल नहीं ले रहा और झटका ले रही गाड़ी और लास्ट में बंद भी हो जाती गाड़ी। छोड़ स्लेटर, स्लेटर छोड़ आगे खड़ा कर रहे दोस्तों। अब मीटर में कोई लाइट शायद नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है अभी चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे देखते दोस्तों करंटर इसका जाली फटा है, इसकी वजह से धुआं दे रही है। यहाँ पर सब दिखाते हैं, ये देखते दोस्तों यहाँ तो धुआं मार रही गाड़ी और बाकी। और इसमें एक लाइट आया साइड में इधर, तो लैपटॉप कनेक्ट करेंगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। अभी एक लाइट ब्लिंक कर रहा है कुछ देर बाद चालू होने पर। ये हम डिस्प्ले आपको दिखाते हैं, रेस्ट करने के बाद भी गाड़ी पूरा रेस्ट नहीं हो रहा है और लाइट आ गया। अभी यहाँ पे वेट वर्कशॉप आ रहा है और इंजन का भी लाइट लग रहा है और चेक लाइट और एम आई लाइट बत्ती ब्लिंक कर रहा है। तो अभी गाड़ी में हम लैपटॉप लगा कर कनेक्ट करेंगे और देखते हैं लैपटॉप में क्या फॉल्ट हो रहा है और उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। तो अभी चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो दोस्तों मैंने लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड है कंफर्म है P0403-00 EGR कंट्रोल और सिग्नल ओपन दिखा रहा है, हमारा कन्फर्म में है। और बाकी भी कुछ EGR वाल जाम ओपन सर्किट दिखा रहा है। तो अभी हम क्राइटेरिया में जाके देखते हैं। यहाँ पे वायरिंग हार्नेस डिफेक्टिव, फॉल्टी EGR वाल, हाउस सेंसर कनेक्टर प्रॉब्लम हो सकता है और इसमें चेक पॉइंट, बैटरी वोल्टेज और वार्निंग हार्नेस कंडीशन पिन और EGR पोजीशन सेंसर मैकेनिकल डैमेज, तो ये सब हमको चेक करना पड़ेगा। और इसमें जो कंटिन्यूटी बोल रहा है चेक करने के लिए और ECU से लेके EGR वाल के पिन तक का, इसका डायग्राम आपको हम जूम करके थोड़ा दिखाते हैं। तो अभी इसका हम वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं और देखते हैं हमको वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और उसके बाद हम आगे का चेक करेंगे। नेक्स्ट करके इसका लोकेशन देखते हैं, तो EGR वाल का लोकेशन दिखा रहा है। तो इसको हम बैक करते हैं और बाकी जो हमारे इधर फॉल्ट कोड आया EGR वाल पोजिशन सेंसर वोल्टेज अन ओपन सर्किट का है, तो इसको भी बड़ा करके देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड हो सकता है, वार्निंग हार्नेस प्रॉब्लम, रॉन्ग पोजीशन सेंसर इन द EGR वाल, यानी कि EGR वाल का जो पोजीशन रॉन्ग हो गया हो, सेपरेट क्या पड़ेगा, लो एंडो में टॉर्क जो है 25% कम हो जाएगा और गाड़ी जो है मैक्सिमम स्पीड 20 किलो पर आवर्स की स्पीड से चलेगी, ज़्यादा नहीं चल पाएगी। तो इसमें भी पिन कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोल रहा है इसी से लेके EGR वाल तक का, तो इसमें भी डायग्राम है दिखा रहा है। और बाकी यहाँ EGR वाल जाम एंड ओपन पोजीशन दिखा रहा है, EGR वाल जाम हो सकता है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे देखते हैं क्या कर रहा है। तो EGR वाल स्टक जाम हो सकता है, तो इसमें भी टॉर्क इफेक्ट पड़ेगा, 25% ड्रॉप हो जाएगा और बाकी जो गाड़ी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है। यहाँ पे चेक पॉइंट बोल रहा है बैटरी वोल्टेज, हार्नेस और EGR वाल सूट डिपोजिट, तो यहाँ पे जो है ये सब हमको फिजिक्स डैमेज हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसका भी हम नेक्स्ट करके आपको लोकेशन दिखाते हैं। तो जो सब फॉल्ट कोड आ रहा है तो EGR वाल का ही लोकेशन दिख रहा है इसमें। तो अभी हम जो है चलते हैं EGR वाल के पास, वहाँ पे हम पहले वोल्टेज चेक करते हैं और बाकी भी चीज़ चेक करेंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। तो अभी हम EGR वाल के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो EGR वाल निकलते हैं सॉकेट और उसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर से हम वोल्टेज चेक करेंगे, तो ग्राउंड पकड़ा है आपका लगा, तो हमने ग्राउंड वहाँ पे टच किया है। तो यहाँ से हमारा जो है दो नंबर में है, तो
इधर से हमारा एक नंबर है 135 135 और इधर से 246। हमारा एक नंबर इधर ऊपर से है, चलो एक नंबर को 1 2 ठीक है। तो एक नंबर में हमारा वोल्टेज आना चाहिए, तो हमने एक नंबर में पकड़ा तो एक नंबर में हमारा 1.8 वोल्ट आ रहा है ठीक है। दो नंबर में लगा तो दो नंबर में यहाँ 0 वोल्ट आ रहा है। तीन नंबर में लगा, तीन नंबर में खाली, चार नंबर में लगा, चार नंबर में, तो चार नंबर में भी हमारा 0 वोल्ट आ रहा है। पाँच नंबर में लगा, तो पाँच नंबर में हमारा 1.3 वोल्ट के आसपास आ रहा है। छः नंबर में लगा, छः नंबर में 5 वोल्ट, तो वोल्टेज यहाँ पे सही आ रहा है। एक बार कंटिन्यू लेंगे हम, इतनी बार कहीं शॉर्ट नहीं है। ठीक है, टच करो, एक नंबर में, दो नंबर लगा, तीन में, तीन खाली, चार नंबर, चार में, चार में हमारा ग्राउंड है। पाँच में लगा और छः में, तो यहाँ पे हमारा पाँच नंबर ग्राउंड है और बाकी जो सिग्नल है ठीक है, वोल्टेज सही है। तो अभी जेयर वाल हमारा जो तो यहाँ पे जो जेयर वाल का हमने कैप निकाल लिया है, तो यहाँ पे ये वाल ऐसे लीकेज कर रहा है, ब्लैक ब्लैक हो गया है, तो इसको देखते हैं। टूटा तो नहीं स्प्रिंग, तो यहाँ पे स्प्रिंग टूटा नहीं लग रहा है और ये वाल लीक कर रहा है यहाँ पे। तो अभी इसको हम इसको ड्राइवर से जो है चेक करते हैं कि जेयर वाल ऑपरेट हो रहा है। मेरा ये बिल्कुल ही फ्री नहीं हो रहा और यहाँ से लीक हो रहा है। तो अभी जेयर वाल नया डालेंगे, लॉक हो चुका है, स्टक हो चुका है, बिल्कुल फ्री नहीं हो रहा है। तो अभी जेयर वाल हम खोलेंगे, निकाल निकाल निकाल। तो इन्होंने जेयर वाल खोल लिया है, तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो जेयर वाल पूरा ये जाम हो चुका है, जल गया है ऐसा लगता है, लीक कर रहा है। तो हमने ये नया जेयर वाल मंगाया है, तो अभी नया वाला हम डालेंगे। इसका पिस्टन देखिए सही है और इसका पिस्टन अटक गया है, ये देख सकते दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये पिस्टन जो है अटका हुआ है, यहाँ से ये लीक कर रहा है और ये अंदर ना जा रहा ना बाहर जा रहा, उसी पर अटका हुआ ये पिस्टन पूरा अटका हुआ। तो अभी हम ये नया वाला डालेंगे, जेयर वाल बिठाएंगे। तो ये नया वाला हम बैठाएंगे, और ही चाहिए था ना, हीटर प्लग भी चाहिए। क्या बिटर है शिवा? क्या बिटर है? लीकेज है क्या? और अंदर कुछ है क्या साइलेंसर में? नहीं। इसको टेस्ट लगाना है ना। तो हमारा फिटिंग प्रॉपर हो चुका है, सिर्फ सॉकेट लगाना, तभी स्प्रे हम क्लीन कर लेंगे सॉकेट को और उसके बाद लगा देते हैं इसको। बस बस बस, तो यह प्रॉपर फिटिंग हो चुका है, तो अभी हम लैपटॉप पे चलेंगे। दोस्तों इसका जो यूरिया इंजेक्टर भी लीक था, तो हमने इसका यूरिया इंजेक्टर भी डाल दिया है। तो यहाँ पे तो अभी हम लैपटॉप पे आ चुके हैं, तो हमने अभी सॉकेट को लगा लिया, तो पेज को रिफ्रेश करते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों जो हमारा दो फाल कोड कन्फर्म में था क्योंकि मैं एक सॉकेट निकाला था उसकी वजह से आया हुआ था। तो यहाँ पे सारा फाल कोड जो मेमोराइज में जा चुका है, तो हमने यूरिया इंजेक्टर भी इसका चेंज किया है क्योंकि यूरिया इंजेक्टर इसका लीक था। तो यहाँ पे जो है सारे फाल कोड जो मेमोराइज में जा चुके हैं, तो अभी हम डाटा बैक डाटा में जाएंगे, वहाँ पे हम सूट मास जो है रीसेट कर लेंगे क्योंकि जो है इसमें थोड़ा सूट मास है, उसके बाद हमको इसको रिजेंशन भी करना पड़ेगा। तो इसमें हम सूट मास पूरा जीरो नहीं करेंगे, 1% और कंटिन्यूस सूट मास को हम 5% कर लेंगे ताकि जो रिजेंशन करने के बाद जो है जीरो हो जाए। तो हमने सूट मास को रीसेट कर लिया है और अब यहाँ पे जो मेमोराइज में फाल कोड है उसको हम डिलीट कर लेंगे और उसके बाद जो हम इसका रिजेंशन टेस्ट लगाएंगे। तो इसको हम फाल कोड को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो हमने फाल कोड को डिलीट कर लिया है दोस्तों। तो अभी हम जो है गाड़ी पे चलते हैं और वहाँ पे हम स्टार्ट करके देखते हैं अभी गाड़ी जो रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद गाड़ी को थोड़ा हम गर्म करके जो है इसका रिजेंशन लगा देंगे। तो अभी हम गाड़ी पे चलते हैं, अभी देखो रेस करेंगे तो अभी पूरा फुल लेगा क्योंकि तो दोस्तों ये गाड़ी पूरा भी रेस हो रहा है और यहाँ पे धुआं भी मार रहा है क्योंकि सूट मास जो है लीक हो रहा, तो हमने इसका साइलेंसर पाइप भी नया डाल दिया है। तो फिर गाड़ी को थोड़ा हम गर्म कर लेंगे और उसके बाद जो हम क्लच और ब्रेक का सेटिंग चेक करके गाड़ी का रिजेंशन लगाएंगे। तो अभी हम लैपटॉप पे आ चुके हैं, तो हमने गाड़ी को स्टार्ट ही रखा है। तो अभी चलते हैं रूटीन टेस्ट में और यहाँ पर जो है रिजेंशन लगाएंगे। नहीं, पहले हम जो है व्हीकल पैरामीटर में चलते हैं, पहले चेक करते हैं हमारा क्लच और ब्रेक जो है प्रॉपर सही है कि नहीं। तो अभी हम चलते हैं पहले व्हीकल पैरामीटर में, क्लच और ब्रेक चेक कर लेंगे दोनों का सेटिंग। तो यहाँ पे हम और थोड़ा नीचे चलते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ब्रेक स्विच यहाँ पे आ चुका है, ब्रेक स्विच स्टेटस, और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे हमारा क्लच स्विच स्टेटस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लच स्विच और सिग्नल स्टेटस। तो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी ब्रेक नॉट प्रेस, क्लच नॉट प्रेस, और स्टॉप करके हम बाइक चलते हैं और उसके बाद जो है रूटीन टेस्ट में हम रिजेंशन लगाएंगे। तो रिजेंशन लगाने का ये प्रोसेस दोस्तों, हमने गाड़ी को टेम्परेचर बना लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी जो स्टार्ट हो चुकी है रिजेंशन के लिए। तो ये ऑटोमेटिक जो अभी ऑफ्रैक्स जो है 30 मिनट तक का टेस्ट चलेगा, उसके बाद जो है गाड़ी का रिजेंशन कंप्लीट हो जाएगा और गाड़ी जो है आइडल पे आ जाएगी। तो अभी हम रिजेंशन को कुछ समय के लिए चलने देंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नई जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पे जो है हम ज़्यादा टेस्ट को नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।